नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। रूस यूक्रेन सीमा पर युद्ध की आशंका के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु युद्ध की धमकी देकर दुनिया में सनसनी मचा दी है। तो वहीं रूस से मुकाबला करने के लिए यूक्रेन ने एक खास प्लास्टिक आर्मी तैयार की है। रूस की प्लास्टिक आर्मी कैसे जंग के लिए खुद को तैयार कर रही है, इसे देखने से पहले पुतिन की नई धमकी को जान लीजिए। पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा। तो क्या जिस परमाणु युद्ध के विस्फोट से दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, उसी परमाणु बम से थर्ड वर्ल्ड वॉर का आगाज होने वाला है? पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर की बात कर अमेरिका समेत सभी नाटो देशों को क्या इशारा किया है, देखिए इस रिपोर्ट में। पुतिन ने दी परमाणु बम की धमकी। पुतिन बोले अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हुआ तो होगा परमाणु युद्ध। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये डरावनी चेतावनी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मुलाकात के दौरान दी। यूक्रेन से बढ़ी तनातनी के बीच पुतिन की परमाणु युद्ध की धमकी इंटरनेशनल हेडलाइन बनी हुई है। एक तरफ परमाणु युद्ध की धमकी तो दूसरी तरफ बेलारूस में जबरदस्त युद्ध अभ्यास। रूस अब हर बार यूक्रेन समेत नेटो पर दबाव बनाने की रणनीति पर उतर आया है। संभावना से इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरी समझ से यह संभावना काफी कम है, क्योंकि परमाणु युद्ध में बात जीत और हार की नहीं होती है, और जो भी पक्ष इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसमें दोनों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। नाटो भी यूक्रेन को लेकर सीधे युद्ध में शामिल होने के लिए बहुत उत्साहित नहीं लग रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि यूक्रेन अभी तक नाटो का हिस्सा नहीं है, तो उसको साजो सामान की मदद तो देगा, लेकिन डायरेक्ट रूसी इन्वेजन में हिस्सा ले इसकी संभावना काफी कम दिखती है। पुतिन की यह धमकी और बड़ी इसलिए बन जाती है क्योंकि दुनिया में सबसे अधिक परमाणु बम रूस के जखीरे में जमा है। और तो और, पुतिन ने परमाणु युद्ध की चेतावनी उस वक्त दी है जब पोलैंड सीमा के करीब रूस ने अपने MiG-31 लड़ाकू विमानों को तैनात कर रखा है और MiG-31 परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। रूस का परमाणु युद्ध से जुड़ा बयान ऐसे समय पर आया है जब फ्रांस ने दावा किया है कि यूक्रेन पर रूसी राष्ट्रपति से बातचीत में यूक्रेन पर रियायत मिल गई है, लेकिन पुतिन के बयान ने अब सब साफ कर दिया है। Мне очень бы хотелось, чтобы вы меня услышали все-таки в конце концов и донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете. Но вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, значит, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы даже и понимаем, что Россия одна из... सुना आपने, पुतिन का कहना है कि अगर परमाणु युद्ध छिड़ा तो जीत किसी को नहीं मिलेगी, कोई विजेता नहीं होगा, क्योंकि पुतिन को पता है कि अगर परमाणु युद्ध छिड़ा तो अमेरिका भी इसमें पीछे नहीं रहेगा। अमेरिका के जखीरे में भी एक से बढ़कर एक शक्तिशाली परमाणु बम मौजूद हैं। आज की तारीख में दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु बम हैं, लेकिन 1945 के बाद अब तक किसी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। वजह पूरी दुनिया को पता है, अगर एक भी परमाणु बम फटा तो सिर्फ विनाश होगा, महाविनाश।
6 अगस्त 1945 हिरोशिमा जापान। न्यूक्लियर अटैक में 1.5 लाख लोगों की मौत। अगस्त 1945 नागासाकी जापान। न्यूक्लियर अटैक में 80,000 की जान गई। सतहत्तर साल पहले की वो तस्वीरें हैं जब दुनिया ने पहली बार एटम बम फटते हुए देखा। तब पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे एक पल में लाखों जिंदगियां जमीन में दफन हो गई। 1945 में वर्ल्ड वॉर टू में इस परमाणु हमले ने जापान के 2 शहर तबाह कर दिए। जापान ने सरेंडर करने से मना किया तो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए। विनाश लीला ऐसी थी कि बरसों तक परमाणु रेडिएशन से हजारों लोग जिंदा लाश बनकर रह गए। तो क्या अब दुनिया फिर देखेगी परमाणु युद्ध? विश्व में जंगे तो बहुत, लेकिन हिरोशिमा नागासाकी जैसी तस्वीर फिर नहीं दिखी। किसी देश ने हिम्मत नहीं की परमाणु अटैक की। लेकिन अब जब यूक्रेन से रूस की ठनी हुई है, अमेरिका ब्रिटेन से लेकर उसके सहयोगी नेटो देश रूस पर हमलावर है। ऐसे में पुतिन की न्यूक्लियर वॉर की धमकी के बाद सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि अगर यूक्रेन ने रूस की शर्त नहीं मानी तो क्या सच में परमाणु युद्ध होगा? मौजूदा समय में ही रूस ने कन्वेंशनल वॉर लड़ने के लिए हर तरह के संसाधन जुटा रखे हैं। साथ ही साथ उसने ऐसे एयरक्राफ्ट का भी डिप्लॉयमेंट कर रखा है जो न्यूक्लियर आर्मामेंट को ले जा सकते हैं और उसको यूक्रेन पर गिरा सकते हैं। लेकिन परमाणु अस्त्रों का इस्तेमाल आमतौर पर बहुत लास्ट में किया जाता है। FAS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास अभी 6,500 परमाणु हथियार हैं, अमेरिका के पास 6,185 हथियार हैं। दोनों देशों के जखीरे में एक से बढ़कर एक घातक परमाणु बम है। ऐसे में 77 साल पहले के परमाणु बम ने इतनी बड़ी तबाही फैलाई थी तो सोचिए कि अगर आज के आधुनिक तकनीक वाले युग में एटम बम युद्ध हुआ तो कितना विनाशकारी साबित होगा। लेकिन फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट की माने तो अमेरिका ने अपनी परमाणु प्लान को 2019 में अपडेट किया है और अब उसका जोर एक बार फिर महाशक्तियों के बीच वर्चस्व की जंग पर आ गया है। रूस की खुफिया रिपोर्ट की माने तो रूस को निशाने पर लेने के लिए अमेरिका ने यूरोप के 5 देशों में अपने परमाणु बम तैनात कर रखे हैं। ये 5 देश हैं बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड, इटली और तुर्की। इन 5 देशों में अमेरिका ने 150 परमाणु बम लगा रखे हैं। सबसे अधिक 70 परमाणु बम इटली में रखे हैं। इन परमाणु बमों को एवियानो और घेडी हवाई अड्डों पर लगाया गया है। 20 परमाणु बम बेल्जियम में क्लेन ब्रोगेल एयरबेस पर तैनात हैं। जर्मनी में बुचेल एयरबेस पर अमेरिका ने अपने 20 परमाणु बम रखे हुए हैं। साथ ही 20 परमाणु बम नीदरलैंड में वोलकेल एयरबेस पर रखे हैं। यही नहीं, अमेरिका ने 50 बम तुर्की के इंसरलिक हवाई अड्डे पर रखे हैं। जैसा कि पुतिन के बयान से साफ हो जाता है, रूस और नेटो देशों की सामरिक शक्ति में कोई तुलना नहीं है। नेटो में 30 ताकतवर देश शामिल हैं, वहीं उनके मुकाबले रूस अकेला है। इसलिए रूस की अपनी सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं, क्योंकि नेटो रूस की सीमा के नजदीक अपनी सेनाएं तैनाती बढ़ा रहा है। रूस के पड़ोसी नेटो देशों में मिसाइल सिस्टम लगाए गए हैं। रूस के लिए सबसे बड़ी चिंता ये है कि इनमें से ज्यादातर देश ऐसे हैं जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थे और अब नेटो में शामिल हैं। वहां नेटो के सैन्य तैनाती बढ़ाने से रूस खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसलिए अब
न्यूक्लियर वॉर की धमकी पर उतर आया है। जहां तक रूस के सैन्य बल का सवाल है, उसकी सेनाएं काफी सशक्त हैं। वस्तुतः विश्व में वह दूसरी सबसे बड़ी सेना है और परमाणु शस्त्रों के मामले में तो उसके आर्सेनल में अमेरिका से भी ज्यादा शस्त्र पड़े हुए हैं। उसके पास में बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और वो सारे साधन हैं जो किसी महाशक्ति के पास होने चाहिए। 77 साल पहले हिरोशिमा में 15 किलो टन का एटम बम फटा था। विस्फोट की जगह पर सघन बादल छा गए थे। वहीं नागासाकी में गिराए गए बम की ताकत 23,000 टन टीएनटी थी। जिसके चलते उनका मशरूम क्लाउड 28,000 फीट यानी 8.5 किलोमीटर ऊंचा बना था, तकरीबन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बराबर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,000 फीट यानी 8.8 किलोमीटर है। 77 वर्षों में अमेरिका और रूस ने एक से बढ़कर एक ताकतवर परमाणु हथियार बना लिए हैं। कुछ ही दिनों पहले अमेरिका ने परमाणु बम गिराने का अभ्यास किया था। अमेरिका ने अपने उस युद्ध अभ्यास को ग्लोबल लाइटनिंग अभ्यास नाम दिया था। अमेरिका के इस वॉर एक्सरसाइज का मकसद यूएस मिलिट्री की न्यूक्लियर वॉर की तैयारियों को परखना था, जिसे अमेरिका के स्ट्रेटेजिक कमांड ने अंजाम दिया था। अमेरिकी फौज के स्ट्रेटेजिक कमांड पर ही परमाणु हथियारों की देखरेख और परमाणु युद्ध की तैयारियों की जिम्मेदारी है। अमेरिका के ग्लोबल लाइटनिंग अभ्यास का मकसद पुतिन पर दबाव बनाना था, रूस की सेना में परमाणु युद्ध का खौफ भरना है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने अप्रैल 2021 में अंतिम बार ग्लोबल लाइटनिंग ड्रिल किया था। उस वक्त भी अमेरिका की रूस से छनी हुई थी, लेकिन इस तनातनी के बीच अब रूस ने सीधे सीधे न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे दी है। अगर एक भी एटम बम फटा तो सिर्फ विनाश होगा, महाविनाश। ऐसे में पुतिन की चेतावनी पूरी दुनिया को डराने वाली है। यूक्रेन लेकर चलते हैं, दिखाते हैं कैसे यूक्रेन की प्लास्टिक आर्मी युद्ध की तैयारियों में लगी है। यूक्रेन की इस प्लास्टिक सेना में सैनिक प्लास्टिक के नहीं है, वो यूक्रेन के आम नागरिक हैं, जो रूस की सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खुद को जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। कोई असली बंदूक चलाना सीख रहा है तो कोई नकली, या कहें कि प्लास्टिक की बंदूक से ही युद्ध कौशल सीख रहा है, ताकि अगर रूस के सैनिक उनके शहर में घुस आए तो उनसे लोहा ले सके। सबसे खास बात यह कि उन्हें यूक्रेन की सेना गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग दे रही है। यूक्रेन में कैसे तैयार हो रहा है छापेमार दस्ता, इसके लिए देखिए यह स्पेशल रिपोर्ट। यूक्रेन का गुरिल्ला वॉर प्लान। यूक्रेन में तैयार हो रहा छापेमार दस्ता। रूस की सेना से दो दो हाथ की तैयारी। यूक्रेन में आम नागरिकों की बंदूक ब्रिगेड। हाथ में बंदूक लिए ये यूक्रेन के आम नागरिक कोई असली बंदूक चलाना सीख रहा है, कोई नकली बंदूक से फायरिंग की ट्रेनिंग ले रहा है। इनके हाथों में बंदूक भले ही नकली हो, लेकिन इनका जज्बा औलादी है। ये हर हाल में अपने देश की हिफाजत चाहते हैं।
अगर रूस ने हमला कर दिया, दुश्मन की सेना इनके शहर में आ घुसी, फिर कैसे उनसे लोहा लेना है? ये उसी युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं। Боюся за себе, боюся за сім'ю, хочу навчитись чогось, щоб захищати своїх рідних і захищати Україну. Хочу спробувати себе, щоб бути в безпеці і не боятися окупантів. Юкрейн में ऐसा सिर्फ रूस से लगने वाले सीमा के करीब बसे शहर में नहीं हो रहा। यूक्रेन के चप्पे-चप्पे में ऐसे ही आम लोग गुरिल्ला वार के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। गुरिल्ला वार की ट्रेनिंग वीडियो नंबर 1। गोरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग वीडियो नंबर 2। गोरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग वीडियो नंबर 3। गोरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग वीडियो नंबर 4। गोरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग वीडियो नंबर 5। ये 5 वीडियो तो बस वानगी भर हैं। जंग वाले फौलादी जज्बे से भरी ऐसी तस्वीरें पूरे यूक्रेन में दिख जाएंगी। गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग वीडियो नंबर 1। सरहद पर पसरे युद्ध के सन्नाटे को चीरती फायरिंग की आवाज। अभी राइफल की इस गोली का लक्ष्य भले ही निशाने पर लगना है, लेकिन जंग के हालात में यूक्रेन की इस महिला की गोली पुतिन के सैनिकों का सीना चीर सकती है। युद्ध के ऐलान के बाद बंदूक चलाने का यह अभ्यास रूस की सेना के लिए चुनौती बन सकता है। बंदूक की गोली से लक्ष्य को भेदते ये सेना के जवान नहीं हैं, ये यूक्रेन के आम नागरिक हैं, जो रूस की सेना से मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। Ну, в связи с той угрозой, которая сейчас наблюдается, я решила подготовиться к этому и быть готовой защитить не только себя, но и окружающих, если это понадобится. ये रूस की सेना से सटे यूक्रेन के ऑप्टिकवा की तस्वीरें हैं। सरहदी इलाका होने के चलते यहाँ के लोग 2014 से ही रूस का तनाव झेल रहे हैं। Більш-менш. Війна вже 8 років йде, але кожного разу все тривожніше і тривожніше. То якось нам пощастило 2014-му. Ну, кожного разу не ж може щастити, треба бути готовими. Треба сподіватися на краще, але готуватися до... К сожалению, не вчера, и, к сожалению, мы не можем понять, когда это все закончится, потому что действия российского правительства. Инки кошиш гурилла в армии хоть ко парангат банане ки, таки рус ки акрамад ки дауран, ки чапа мар юдд ко анжам ди сакет. Рус ки сена ко Юкрейн ки андар так дакхил хоне се рок сакет. Мы этим занимаемся. Ну, смотрите, если... вернуться в историю, то самые большие жертвы – это среди мирного населения. То есть среди тех, кто не знает, что происходит во время боевых действий, кто не подготовлен, кто не полностью дезориентирован. Проходя обучение у нас, люди психологически уже готовятся к такой ситуации. Более того, они готовы действовать. То есть если происходит взрыв, они не стоят, смотрят по сторонам, они готовы упасть и перейти. Гурилла варки тренинг. Видео номер 2. सबसे पहले यूक्रेन की राजधानी किव से आई इन तस्वीरों को देखिए। हाथों में मशीन गन लिए ये आम नागरिक गुरिल्ला वार वाले प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं। इस ट्रेनिंग कैंप में नौजवानों के साथ साथ बच्चे और महिलाएं भी मशीन गन से निशाना साधने का अभ्यास कर रहे हैं। Входження російських військ до нашої території, до нашої батьківщини, тому це мій обов'язок перед суспільством і державою захищати.
वतन की हिफाजत के लिए लिया गया इनका प्राण इनके हौसलों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। रूस के सैनिकों से निपटने के लिए इन्हें गुरिल्ला वॉर के दांव पेच सिखाए जा रहे हैं, कैसे हथियार पकड़ने हैं, कैसे दुश्मनों को जवाब देना है, अगर कोई जख्मी हो गया तो उसे कैसे शुरुआती इलाज देना है। आम नागरिकों को इसकी ट्रेनिंग यूक्रेन सेना के सैनिक दे रहे हैं। За повномасштабною війною по всій території України. Так, вона висока, і це для людей є можливістю заспокоїти себе, прийти сюди, знати алгоритми дій, у випадку що робити, хто надасть зрозумілі інструкції до подальших дій у випадку небезпеки. Українські розгані Київ кі абаді 19,500 से ज्यादा है। युद्ध छिड़ने पर रूस की सेना हर हाल में कीव पर कब्जा जमाने की कोशिश करेगी। ऐसे में कीव शहर प्रशासन ने शहर की सार्वजनिक आपातकालीन चेतावनी प्रणाली को और दुरुस्त करने में लगा है। कीव में सार्वजनिक आपातकालीन चेतावनी प्रणाली को डिजिटल बनाया जा रहा है ताकि किसी आपातकालीन स्थिति में पूरे शहर को इसकी तत्काल जानकारी मिल सके। इसके लिए 4,00,000 अमेरिकी डॉलर का बजट तय किया गया है। ये प्रणाली ठीक वैसे ही काम करेगी जैसे पोलैंड, अमेरिका, नीदरलैंड और जर्मनी में करती है। गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग रेडियो नंबर 3। ये रूस सीमा के काफी करीब यूक्रेन के खार्किव शहर की तस्वीरें हैं। युद्ध के खौफ के बीच यहाँ भी गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग चल रही है। दुनिया की तरह यहाँ भी दिन होता है, शाम होती है, रात होती है। अंतर बस इतना है, युद्ध का खौफनाक साया इस शहर पर दिन के 24 घंटे मंडराता रहता है। दिन हो या फिर रात, यहाँ रहने वाले डरे हुए हैं, अनहोनी की आशंका से सहमे हुए हैं। जंग छड़ी तो जख्मियों को फौरन इलाज मिले, इसके लिए अस्पताल अलर्ट मोड पर है। युद्ध के दौरान लोगों की हिफाजत के लिए अस्पताल के बेसमेंट को एमरजेंसी सेल्टर में बदल दिया गया। Никого не было. Уже ее разбомбили, растаскали, размародировали. То есть уничтожили реально. То есть с этим ничего не поделаешь. Если бы кто-то хотел, уже бы так было. Ну, страна огромная, Россия воюет всю жизнь. Россия подготовлена к войне больше, чем кто-либо. Суна апни. यूक्रेन के आम लोगों के जहन में रूस का कितना खौफ भरा है। लोगों के दिलो दिमाग में घर चुके इसी डर को दूर करने के लिए नौजवानों का ये ग्रुप रणभूमि में दुश्मन से निपटने का रिहर्सल कर रहा है। युवाओं के संगठन को यूक्रेन में राइट यूथ नाम से जाना जाता है। युवाओं का यह संगठन यूक्रेन के सभी शहरों में मौजूद है। ये राष्ट्रभक्त नौजवानों का संगठन है जो अभी छापामार दस्ता बन रूस की सेना को मात देने के तौर तरीकों की तैयारी में लगा है। अगर युद्ध छिड़ा और रूस की सेना शहर में घुस गई तो दुश्मन को कैसे चकमा देना है, बंदूक के बल पर दुश्मनों से कैसे मुकाबला करना है, अपने शहर को रूस के सैनिकों से कैसे बचाना है, उसका अभ्यास कर रहे हैं। Київ є моїм домом, тому, звісно, для мене це найголовніше місто, яке я маю захищати як харків'янин. От. Так само Харків є прифронтовим містом, де є як економічні, як сказати, як економічні чинники, так і стратегічні. Тобто, вирогідніше за все, я не знаю, як буде відбуватися у разі вторгнення, будуть окупувати Харків, не будуть заходити, будуть. Але факт у тому, що дуже багато харків'ян, як і будь-яких громадян України, які готові захищати своє до останнього, як наш дім, бо іншого дому у нас немає. Юдика Шастр кажеться, Гурилла Юдики Раниті Пар तब अमल किया जाता है जब दुश्मन की सेना की तादाद अधिक हो, शत्रु सेना के पास ज्यादा ताकतवर हथियार हो। ऐसे हालात में या तो दुश्मन पर छिपकर वार किया जाता है या फिर उसे बहकाकर अनजान इलाके तक पहुंचा दिया जाता है। गुरिल्ला वार की ट्रेनिंग वीडियो नंबर 4। अब इन तस्वीरों को देखिए,
युद्ध की बढ़ती आशंकाओं के बीच कैसे यूक्रेन के आम लोगों ने जंग के लिए कमर कस ली। आम लोग अपनी मर्जी से सेना के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, दुश्मनों से कैसे लोहा लेना है इसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। बड़ों के साथ बच्चे भी इस प्रैक्टिस में हिस्सा ले रहे हैं। दुश्मन पर आक्रमण के साथ ही खुद की कैसे हिफाजत करनी है, धरती पर जमी बर्फ के नीचे बंकर बनाकर कैसे अपने साथ साथ अपने परिवार वालों को रूसी हमले से बचाना है, इसकी तैयारियां हो रही है। Говорились, кто за кем заезжает, кто кого забирает. У каждого там уже, допустим, документы, там какие-то ценные вещи есть, все быстро взяли. И детей мы перевозим в место, где будет, по крайней мере, где мы будем понимать, что там спокойно. Может, это глубь страны, может, это ближе там, к границе. Будем смотреть. То есть мы будем по-любому, какая-то информация будет поступать. Взрослые люди в нашей семье, мы остаемся по-любому в городе. Мы уже... सीमा से सटे इलाकों में रहने वाले लोग और चौकन्ने हैं। उनके जहन में अनहोनी की आशंका जरूर है, लेकिन हौसले बुलंद हैं। आम नागरिकों को युद्ध का अभ्यास यूक्रेन की प्रादेशिक रक्षा बल के जरिए दिया जा रहा है। प्रादेशिक रक्षा बल के गठन का सिरा भी रूस के आक्रमण से ही जुड़ता है। रूस ने 2014 में यूक्रेन के अधिकार वाले क्राइमिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद प्रादेशिक रक्षा बल का गठन किया गया। आम लोगों को इसी संगठन के जरिए सेना के साथ मिलकर वॉर की प्रैक्टिस कराई जाती है। इस अभ्यास में आम लोगों को हमले की छापामार तकनीक के साथ बंदूक चलाने का अभ्यास कराया जाता है। यूक्रेन के अंदर का हाल जानने के बाद अब आपको यूक्रेन की रूस से लगने वाली सीमा के काफी करीब गाँव की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ से कटीले तारों से घिरी सीमा साफ साफ दिखाई देती है। सीमा के दोनों तरफ बर्फ बिछी है, इलाके में सन्नाटा पसरा है, लेकिन यूक्रेन की सेना इस सन्नाटे को युद्ध के ऐलान के पहले की खामोशी करार दे रही है।